सर इंसिडेंट के बाद कितने दिन तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर? ये 23 की घटना है तो पूरा ट्रैक करके हमने 3 दिन में आरोपियों को पूरा माल के साथ अरेस्ट किया है। 3 दिन यानी दोपहर के टाइम में दो लड़के यानी इस गुने में जो हमने अरेस्ट किया है वो आरोपी वो घर में आए, उन्होंने जो सीनियर सिटीजन मैडम है उनको कहा कि हम कुरियर वाज देने आए हैं, और जब मैडम ने बोला कि कुरियर है तो आप खिड़की से दे दो, लेकिन उन्होंने बोला कि बॉक्स बड़ा है आप दरवाज़ा खोलो, तो उनके कहने पे सच मानकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर मैडम ने जैसे ही अंदर लिया तब इन दोनों ने चाकू दिखा के घर में जितना 3.5 लाख रुपए का जो सोना था और कैश थी वो लगभग 14 तोले सोना और ये बाकी कैश वो लेके गए। जब उन्होंने ये क्राइम कर रहे थे तब उन्होंने जो पुष्पा मैडम जो थी सीनियर सिटीजन 17 साल उम्र है उनकी, तो उनको दोनों हाथ पैर बांध दिए थे, मुंह में कुछ डाला और ऊपर से उनको चिकट टेप से रैप कर दिया। तो ये बहुत सेंसिटिव विषय था, सीनियर सिटीजन के घर में ऐसे क्राइम हुआ था, तो पुलिस ने एक्शन में त्वरित एक्शन में आते हुए पूरा मामले का इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया, क्राइम पे रजिस्टर हो गया, लोकल क्राइम ब्रांच के टीम को इन्वॉल्व किया, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्वॉल्व किया। आरोपियों को ट्रैक करते वक्त CCTV बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है, क्योंकि ये आरोपियों को हमने जब इंटरोगेट किया तो और लेडी से भी जब पूछताछ की तो वो मास्क यानी चेहरे पे कपड़ा लगाए हुए आए थे, कुछ भी उनका वेयर अबाउट्स नहीं आता था, बस एक उसका एक हमको जब उसको CCTV देखा तो एक रेड कलर का शूज आरोपियों का आइडेंटिफाई हुआ था, तो उसी शूज का ट्रैक करते हुए हमने ये पूरा इन आरोपियों तक पहुंचे हैं और पूरा जैसे माल जो सोना गया वैसे प्रॉपर हमने डिटेक्ट कर लिया है। ये लोग रेके करते थे कि इनको नहीं, इस देखो अभी ये आरोपियों ने ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आरोपी को प्रॉपर पता था कि घर में उस टाइम पे औरत है, तो हम ये अभी इंट्रोगेशन कर रहे हैं कि घर का कोई उसमें इन्वॉल्व है या उसका कोई फैमिली या कोई फ्रेंड जो उनके घर में आता हो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम ये जल्दी ही नेक्स्ट आरोपियों की भी अरेस्ट करेंगे। आपने कहा कि वो सिक्योरिटी एजेंसी से पहले बिलोंग करता था, शायद उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले उसके साथ में इन्वॉल्व है क्या? वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब सिक्योरिटी जब ये लड़के अंदर गए तब वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, लेकिन प्राइम एफिसी दिख रहा है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का इसमें रोल नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा और इंक्वायरी के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा मामला सामने आ जाएगा। मीडिया के माध्यम से सबको ऐलान करना चाहता हूँ कि जो अनोखी व्यक्ति है जिसको हम जानते नहीं है वो कोई भी बहाना करके आपके घर में आ सकता है और आपको कह सकता है कि मैं कुरियर बॉय हूँ या किसी का लेटर आया है या आपके लड़के ने भेजा है या आपके हस्बैंड ने भेजा है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको अपने घर में प्रवेश मत दीजिए, इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये जब गुना डिटेक्ट हुआ तो ये मामला सामने आया है, बहुत इम्पोर्टेंट डिटेक्शन है, हमारे अंद्रे साहब जो एक क्राइम के इंचार्ज है उनकी टीम एक बड़ा PSI कारंडे PSI टेलर और बाकी सभी जो टीम है हमारी उन्हें बहुत अच्छा ये डिटेक्शन किया है, मैं सभी को थाने ग्रामीण पुलिस की तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूँ उनका।